तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू यार रोहित राइडर फिर से आपका चैनल में स्वागत करता है। तो यार मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि टीवीएस का तरफ से गुड न्यूज है, क्योंकि बहुत दिन से कुछ बाइक लॉन्च होने वाला था जो जेपलिन बाइक, आप देख रहे इसका फोटो, ये बार क्रूजर बाइक है। तो इस बाइक 2019 में इसको लॉन्च करने वाला था, लेकिन उसे नहीं कि अभी 2020 में ये लॉन्च करा जनवरी महीना में, मुझे फाइनली मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इसको 25 या 26 तारीख को इसको लॉन्च करेगा अभी यहाँ पर इंडिया में। तो इस बाइक का मतलब जो क्रूजर बाइक है इसमें आपको 220 सीसी इंजन मिलेगा, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल एयर कूल इंजन है इसमें। और आपको इसमें जो आप देख रहे इसका लुक देख रहे, इसका जो सस्पेंशन आप देख रहे, जो अपसाइड डाउन सस्पेंशन का गोल्डन कलर का, ये तो लुक यार मुझे बहुत मतलब ज़बरदस्त लग रहा, आकर्षक लग रहा। और आपको इसमें फुल्ली आपको LED लाइट मिल जाएगा, और ये बेसिक्स मॉडल में लॉन्च कर रहा है, क्योंकि ये बेसिक्स से अभी है, क्योंकि और मुझे लगता है कि इसका कीमत वो जो है एक शोरूम का 1,45,000 से लेकर 50,000 है। तो मतलब आपको 2,00,000 के अंदर में ये बाइक आपको मिल जाएगा, बट क्रूजर बाइक मतलब बहुत जान बोलते हैं कि अब क्रूजर बाइक बहुत महंगा होता है जो अदर कंपनी का, तो होते ही 2,00,000-2,50,000 के अंदर में आपको मिलता है क्रूजर बाइक। ये मतलब ये छोड़ के कल बजाज का जो 220 छोड़ के अगर बाइक लेना चाहते हो क्रूजर बाइक, उसका बहुत महंगा होता है। तो ये बाइक आपको 2,00,000 के अंदर में ये बाइक आपको मिल जाएगा, और ये जेपलिन 25 या 26 तारीख को जनवरी में लॉन्च कर रहा है। ये मुझे गाड़ी.com जो मैं देखता हूँ मतलब उसका कुछ न्यूज मुझे मिला है, तो 25 या 26 तारीख को ये बाइक लॉन्च कर रहा है। और इसमें आपको तो आप देख रहे इसका लुक कुछ किस तरह सा लग रहा है, जो इसका जो पीछे का टायर है उसमें मतलब 140 का टायर है, 70 का मतलब जो आपको साइज का जो चौड़ाई है वो ज़्यादा ही रहेगा, जैसे होगी R15 का जो टायर है ना 140-70 का, वही टायर इसमें आपको पीछे मिल जाएगा, और आपको आगे का 110-70 का टायर लगा हुआ मतलब, और इसमें आपको डुअल चैनल मिल जाएगा, ABS भी मिल जाएगा, मतलब यार फीचर मतलब बहुत कुछ है इसमें जेपलिन में। तो ये बाइक 25-26 को लॉन्च करने वाला है इस महीना जनवरी में यार, तो मतलब फरवरी में आपको दिखने लगेगा ये बाइक मार्केट में मतलब शोरूम में। तो ये यार बहुत दिन से ये एक मतलब जेपलिन ने TVS ने सोच रहा था कि एक क्रूजर बाइक लॉन्च करेंगे, तो ये बाइक 2019 में इसको लॉन्च करने वाला था लेकिन नहीं किया, तो फाइनली 2020 में ये बाइक लॉन्च कर दिया यार, 25-26 को लॉन्च करेगा। तो मतलब सबर का इंतज़ार ख़त्म, आप इसको अभी ले सकते, बुकिंग कर सकते, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि ये बाइक अभी बुकिंग चलेगा। आपको अगर लेना है ये बाइक जेपलिन क्रूजर बाइक, जो लुक में आप देख रहे इसका फुल्ली डिजिटल मीटर आपको इसमें मिल जाएगा, LED लाइट जो आप देख रहे इसका जो लुक आपको LED लाइट पीछे का भी LED मार, डुअल चैनल आपको ABS, और इसका इंजन 220 सीसी मतलब पावर भी बहुत ज़्यादा है, 220 सीसी का इंजन, माइलेज तो मुझे लगता है 35 से लेकर 30 देगा माइलेज। तो ये बाइक मतलब क्रूजर बाइक है, और जिसको शौक है लेने का बट क्रूजर बाइक वो इस बाइक को ले सकते हैं, क्योंकि यार सोचो मत बुकिंग करो, क्योंकि इस बाइक में आपको जो लुक देगा ना वो कोई बाइक में लुक नहीं देगा, जो उसका आप देख रहे ना कि कलर भी, और इसका जो सस्पेंशन गोल्डन कलर का, जो मतलब इसका जो गाड़ी का मतलब चारों तरफ आप देख लीजिए कुछ मतलब कहीं खाली नहीं लग रहा, पर मतलब भरा भरा चीज़ लग रहा है। तो ये बाइक 25-26 को लॉन्च हो जाएगा यार, आप लोग मतलब सबर को मेरा इंतज़ार था जो भी ये बाइक लेना चाहता था, बट उसके लिए गुड न्यूज है ये बाइक लॉन्च मतलब 25-26 को होने वाला है यार, मुझे कुछ फाइनली बोल रहा है कि 25-26 को लॉन्च हो जाएगा। तो ये TVS ने सोच समझ के लॉन्च कर रहा है ये बाइक, क्योंकि ये बाइक मतलब धमाल मचाने वाला बाइक है यार, मतलब सारा जितना बड़ा क्रूजर बाइक को ये पीछे कर देगा। तो ये बहुत जल्दी आपको फरवरी में ये बाइक आपको मार्केट में दिखने लगेगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बाइक में आपको अगर लेना है तो जाइए यार शोरूम से बात कीजिए, अब जाके जल्दी जल्दी कि ये बाइक मुझे चाहिए फरवरी तक, तो
कब तक मिलेगा, शोरूम टीवीएस जाकर बुक कर सकते हैं ये बाइक, क्योंकि अभी ये बुकिंग चलेगा, बुकिंग होने के बाद आपको मिलेगा बाइक, क्योंकि अभी ये बाइक, क्योंकि अभी जमशेदपुर में तो यार बहुत पीछे है, क्योंकि ये बाइक अभी बार आने में, तो आपको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर में ये बाइक आपको पक्का मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शोरूम में बहुत जल्दी आता है शोरूम में। और चलो तब देखते इसका करते वेट मेरा जमशेदपुर में, जिस दिन आएगा मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर बना के मैं दिखाऊँगा। तो चलो चलते, और वीडियो दोस्तों कैसा लगा अभी ये आपको मैं बता दिया गुड न्यूज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को प्रेस करो कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। तो यार जल्दी जल्दी जाओ यार टीवीएस शोरूम जाके बात कर लो मैनेजर से कब तक आ रहा है। तो मुझे तो पक्का कंफर्म है कि 25-26 को ये बाइक लॉन्च होने वाला है, तो जाइए जल्दी जाइए। तो बस ये छोटा सा वीडियो था यार, मुझे भी ये बाइक बहुत दिन से था इंतज़ार कि मैं कब इसको देखूंगा, लेकिन इसका मैं फाइनली अभी 25-26 को लॉन्च हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो था यार आपको बता देने के लिए। तो चलो अब चलते, जय हिंद जय भारत।